नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है। इंदौर में होने वाले प्रवासी दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इवेंट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंदौर में एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि रत्नाकर ने। यह नजारा है इंदौर का। इंदौर में आगामी दिन होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर इंदौर में लंबे समय से तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को लेकर इंदौर में सभी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी। इस वक्त मौजूद है इंदौर के एयरपोर्ट पे, जहां पे किस तरह से अतिथियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से जब अतिथि निकलेंगे, वैसे ही उनके स्वागत के लिए देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आपका स्वागत है। वहीं हाथ में शिवलिंग लिए देवी अहिल्याबाई होलकर का स्टेचू लगाया गया है और उसके जस्ट आगे थोड़ा सा देखेंगे तो अतिथि देवो भवा, जो परंपरा भारत की है, अतिथि देवो भवा, कहीं ना कहीं ये वही स्लोगन है जिस स्लोगन को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं। और वाकई में इंदौर में जब अतिथि देवो भव की परंपरा से अतिथियों का परिचय कराया जाएगा तो वाकई में जो इंदौर में इन्वेस्टर्स और प्रवासी भारतीय जब इंदौर आएंगे तो वे इस अतिथि देवो भव की परंपरा को अपने साथ देश के विभिन्न, दुनिया के विभिन्न देशों में लेके जाएंगे। इस वक्त एयरपोर्ट पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो एयरपोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और सशस्त्र पुलिसकर्मी यहाँ पे जो है तैनात किए गए हैं और यहाँ पे जो है बालू की बोरियों के साथ एक सशस्त्र पुलिसकर्मी मुझे नजर आ रहे हैं और यहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था लगातार इंदौर में कई पॉइंट्स जो है इस तरह से बनाए गए हैं जो इस कार्यक्रम की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। हम बात करेंगे सुरक्षा कर्मी जो यहाँ मौजूद है कि किस तरह से वे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्हें लगाया गया है, क्या उनकी ड्यूटी है और किस तरह से रूटीन रहेगा। भैया क्या नाम लिखते हैं? रंजित पटेल। रंजित भैया, यहाँ पे जो एयरपोर्ट के बाहर जो बैरिकेड बनाया गया है, यहाँ पे ऐसे कितने बैरिकेड बनाए गए? लगभग 5 से 7 बने हैं, इधर आगे भी है। तो ये जो बैरिकेड बनाया गया है, तो इस बैरिकेड में आप सशस्त्र यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये कब से शुरू किया गया है और ये कब तक इस तरह से आपको ड्यूटी करनी है? अग्रिम आदेश तक, जब तक कार्यक्रम चलेगा, जब तक। ये थे सशस्त्र पुलिसकर्मी रंजीत भाई, जिनका कहना है कि जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक इस पूरे एयरपोर्ट के गेट पर जो है इस तरह से ये सशस्त्र ड्यूटी करेंगे और आगे भी हम आपको ले चलेंगे, आगे दिखाएंगे, आगे भी इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे काफी बेहतरीन ढंग से निभाते हुए नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, एयरपोर्ट के बाहर आपकी ड्यूटी लगी है, किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है ट्रैफिक पुलिस ने की है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है सर, चारों तरफ से। ये जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट पे क्या प्लानिंग की? आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आपको क्या निर्देश मिले हैं? सर, वरिष्ठ अधिकारियों को ये सब बातें मालूम है सर, हमको नहीं मालूम। तो वाकई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन यहाँ पे किया जा रहा है। हम आगे ले चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री के जो है विशाल काय होर्डिंग्स यहाँ पे लगे हुए, जब अदिति यहाँ से सुपर कॉरिडोर होते हुए कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे तो वे कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारियां और ये बैरिकेडिंग और प्रधानमंत्री के बड़े कटआउट देखते हुए नजर आएंगे। बात की जाए शहर की, शहर में की गई तैयारियों की, तो इंदौर एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और विलियम कन्वेंशन सेंटर तक कई चौराहों का ब्यूटिफिकेशन किया गया है। वहीं सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं। शहर के कई चौराहे रात होते ही दीपावली की तरह लगने लगते हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले पूरे रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशालकाय कटआउट लगाए गए हैं। वहीं सीएम शिवराज की ब्रांडिंग भी शहर में नजर आ रही है। गौरतलब है कि इंदौर में होने वाले हिंदू बड़े कार्यक्रमों को लेकर शासन प्रशासन बड़े पैमाने पर मुस्तैद नजर आ रहा है। हम लोगों की पूरी टीमें लगी हुई है, मेडिकल कॉलेज की टीमें भी लगी,
MY हॉस्पिटल मतलब MGM मेडिकल कॉलेज की, अरविंदो मेडिकल कॉलेज की, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से, LNCT मेडिकल कॉलेज, चारों मेडिकल कॉलेज से भी टीमें, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की और दूसरी टीमें हैं उसमें भी मेडिकल स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी अपने पर सबकी अलग अलग जगह पर लगा दी गई है। तभी हमारी BCC रहेगी तो वहाँ भी हमारी इमरजेंसी की जो मेडिकल टीम है वो भी है, स्क्रीनिंग के लिए टीम है, एम्बुलेंस के लिए टीमें बनी हुई है, जो इमरजेंसी और VVIP के लिए टीमें बनी है। इसके अलावा पैरा मेडिकल स्टाफ्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमारे जितने भी चिन्हांकित होटल्स है होटल्स को मर्ज मैप करके हॉस्पिटल से मैप किया हुआ, और वहाँ पर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी मेडिसिन के साथ और अपने इक्विपमेंट के साथ रहेंगे। इमरजेंसी के लिए हमारे अरविंदो मेडिकल कॉलेज, बॉम्बे मेडिकल, बॉम्बे हॉस्पिटल्स और अभी BCC अपना लाइफ केयर हॉस्पिटल, इसके अलावा सारे जो इतने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी लोगों को ऑलरेडी मैप किया जा चुका है और उन लोगों को बता दिया गया है। मैं डॉक्टर BS सत्या, CMHO इंदौर। जिसके चलते अब कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर भी तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर एक अस्थाई पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें विभिन्न स्क्रीन पर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के 300 से ज्यादा हाईटेक CCTV कैमरा की लाइव फुटेज देखी जाएंगी। वहीं एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है और वायरलेस सुविधा भी इंस्टॉल की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को लेकर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद है। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है कार्यक्रम स्थल पर, दिखाएंगे कि पुलिस कंट्रोल रूम पे इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा इंदौर में, इंदौर का जो पुलिस प्रशासन है उसने प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस ब्रिलियंट कन्वेंशन पे बनाए गए एक पुलिस कंट्रोल रूम पे तैयार की है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, CCTV कैमरे और सैकड़ों स्क्रीन, ये स्क्रीन्स पे जो है सैकड़ों कैमरों का व्यूज जो है वो देखा जा रहा है। लगातार जो है पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इन स्क्रीन से इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। बकायदा यहाँ पे जो है CCTV कैमरे लगातार जो है वहाँ का अंदर का कार्यक्रम का फीड देंगे, इस एरिया का फीड देंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहाँ कार्यक्रम स्थल पर जब अतिथि शिरकत करेंगे, प्रधानमंत्री अंदर होंगे, कई और अतिथि जो दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर इंदौर में विजिट करेंगे वो होंगे, उस समय पुलिस के अधिकारी जो है इस पूरी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करेंगे। जायसवाल जी मेरे साथ मौजूद है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो कंट्रोल रूम देख रहे हैं। जायसवाल जी, पुलिस प्रशासन इंदौर पुलिस द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या पैमाना है सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पे? यहाँ पे CCTV कैमरे करीब 300 लगाए गए हैं, जिससे चप्पे चप्पे पे पूरे निगरानी रखी जाएगी। BCC के अंदर भी सभी कैमरे लगे हैं, BCC के चारों ओर कैमरे लगे गए हैं, और एयरपोर्ट रोड से पूरा रोड भी हमने जो है कवर किया है कैमरों के माध्यम से। कुछ कैमरे हमारे PTZ कैमरे लगे हैं, पिन टिल जूम, उनकी मदद से हम उनको जूम करके बारीक से बारीक भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि काफ़ी हाईटेक कैमरे, आप बता रहे हैं कि कैमरों को जूम करके भी देखें, हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, 300 कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी कितने इस कंट्रोल रूम में बैठेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग होगी? देखा जा रहा है कि सामने कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी है, तो किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कैसे रिस्पॉन्स करेगी? यहाँ पे हमने जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सेट भी इंस्टॉल किए हैं, और टेलीफोन सुविधा भी हमारी उपलब्ध है। कोई भी सूचना आने पर वायरलेस से कम्युनिकेशन से वायरलेस के द्वारा हम माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे, टेलीफोन से भी हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी सब यहीं आ रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है। इस पूरे कंट्रोल रूम को किस तरह से तैयार किया गया, जैसे ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं CCTV कैमरों से यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, सामने हम उस तरफ दिखाएंगे कि सामने वायरलेस सेट की जो है इंस्टॉल किए गए हैं, वहाँ पे जायसवाल यादव जी जो है वो बैठे हुए हैं, उधर टेलीफोन कॉल सेंटर एक बनाया गया है, वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से पुख्ता नज़र आ रही है। अब ऐसे में यहाँ कितने अधिकारी जो है कार्यक्रम के दौरान बैठेंगे, और वरिष्ठ अधिकारी किस तरह से यहाँ पे जो है पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर करके आप लोगों को गाइड करेंगे? वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकतर यहाँ पे रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में जहाँ भी भीड़ वगैरह दिखती है तो उनके मार्गदर्शन में उनको हटाया जाएगा, यहाँ से बोला जाएगा। यहाँ माइक व्यवस्था भी की गई है, संबंधित पार्किंग में अगर भीड़ हो रही है तो माइक के द्वारा उनको वहाँ से अलग किया जाएगा, इस तरह से व्यवस्था की गई, और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। क्या कोई नंबर जारी किया गया है इस पूरे कंट्रोल रूम को लेके या इस पूरे कार्यक्रम को लेके अलग से विशेष तौर पे, या फिर पुलिस के जो रूटीन नंबर है उन्हीं पे ही शिकायतें और सुझाव लिए जाएंगे?
यहाँ से अलग से नंबर जारी किए गए, बीसीसी यहाँ कंट्रोल रूम बनाया, पुलिस कंट्रोल रूम, उस पर 3 लाइन पे हमने इनकमिंग सेवाएं दी गई, उस पर केवल हम सुन सकते हैं, हमारे अधिकारी निर्देश देंगे वो सुन सकते हैं और यहीं पे हम पास करेंगे वायरलेस के माध्यम से या इसके माध्यम से। इस तरह से 3 लाइन यहाँ दी गई है और वो नए नंबर से अलर्ट हुए। तो ये थे पुलिस अधिकारी बीएल जायसवाल जी, जो अभी इंदौर के बीसीसी के बाहर बने पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद है। 300 हाईटेक कैमरे और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेगी और पूरा कार्यक्रम पार्किंग और किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत से निपटने के लिए पुलिस ने यहाँ पर जो है इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया है। देखना होगा कि कार्यक्रम के दौरान किस तरह से व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। इंदौर से कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ।